वर्ड। अब पॉजिटिव वर्ड की डेफिनेशन क्या है या पॉजिटिव वर्ड क्या होता है? ओके, अ वर्ड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स अपोजिट। जो वर्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने कुछ वर्ड लिखे हैं और उनके अपोजिट लिखे हैं, अपोजिट वर्ड लिखे हैं। ये आपको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है 20 अपोजिट वर्ड, साथ में आपको डेफिनेशन भी अपनी कॉपी में, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखना है। सो फर्स्ट क्या है, गुड। गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग। शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब बड़ा। डे, नाइट। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, तो डे का अपोजिट नाइट। हॉट, कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, तो हॉट का अपोजिट क्या हुआ, कोल्ड। थी, थी मतलब पतला, फैट मतलब मोटा, थी का अपोजिट क्या हुआ, फैट, फैट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, इनका अपोजिट क्या है, आउट। बॉय, बॉय मतलब लड़का, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, बॉय का अपोजिट क्या हुआ, गर्ल। स्लो, स्लो मतलब होता है धीमे, और फास्ट मतलब तेज, स्लो का अपोजिट क्या है, फास्ट। क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा, तो क्लीन का अपोजिट क्या हुआ, डर्टी। इजी, इजी मतलब आसान, हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, तो इजी का अपोजिट क्या हुआ, हार्ड। इसके बाद एक मोर, मोर मतलब ज्यादा, लेस, तो लेस मतलब कम, मोर का अपोजिट क्या हुआ, लेस। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, तो ड्राई का अपोजिट क्या हुआ, वेट। बिग, बिग मतलब छोटा, सॉरी बिग, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, तो बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा, तो एम्प्टी का अपोजिट फुल। सीट, सीट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े, खड़े होना, सीट का अपोजिट स्टैंड। लाइट, लाइट मतलब हल्का, हेवी मतलब भारी, तो लाइट का अपोजिट हेवी। ऑलवेज मतलब हमेशा, एंड नेवर मतलब कभी नहीं, तो ऑलवेज का अपोजिट क्या हुआ, नेवर। अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, डेथ मतलब मर गया, तो अलाइव का अपोजिट क्या हुआ, डेथ। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर का अपोजिट आफ्टर। एंड लास्ट, लव मतलब प्यार, हेट मतलब नफरत, तो लव का अपोजिट क्या हुआ, हेट हुआ। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये वर्ड एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या है, अपोजिट वर्ड है। ओके, सो आपको आपकी कॉपी में ये राइट डाउन करना है अच्छी राइटिंग में, और ये आपको आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ओके, बाय।